डियर स्टूडेंट्स, BTUP ने छात्रों के लिए बड़ी अपडेट जारी की है आप लोगों के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी बच्चों के लिए। इसका लास्ट डेट क्या है मैं आपको बता देता हूँ अभी ही। देखिए, लास्ट डेट इसका है 29 नवंबर। ठीक है, 29 नवंबर इसका लास्ट डेट है। और किस तरीके से बच्चों को क्या करने को ऑर्डर आया है वो आपको बताएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। ठीक है, तो देखिए, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे कहना चाहेंगे सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको अपडेट मिल सके। टेलीग्राम ज्वाइन करें, PDFs, मॉडल पेपर, व्हाट्सअप ज़रूर ही ज्वाइन कर लें। ठीक है, अब देखिए हम सीधा बात करेंगे ऑफिशियल नोटिस के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हो ईमेल द्वारा ये मेल आया है, मेल पे ये ईमेल पर भेजा गया है ये नोटिस। और नोटिस में क्या है आपकी स्क्रीन पर दिखता होगा, सेवा में सभी को लिया गया है, सभी जितने कॉलेज हैं सभी के लिए, सभी प्रधानाचार्यों को इसमें मेंशन किया गया है। डेट देख सकते हो 22/11/2023 का ये नोटिस है और आज से ये काम स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, विषय क्या है जो है, वर्ष 2023-24 में ऑनलाइन काउंसलिंग में के न प्रवेशित छात्र छात्राओं के नामांकन में जो त्रुटियाँ हैं उनके निवारण के संबंध में, उसकी लास्ट डेट 29/11/2023 है। तो आज आपका 23 हो चुका है जब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपका लगभग 6 दिन है अभी। 6 दिन के अंदर आप लोग करा लीजिए, बाद में मत कहना हमें बताया नहीं। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, जो भी है आपका जो नोटिस जारी की गई थी 9 तारीख को नोटिस जारी की गई थी, जिसमें क्या है जो 2023-24 में नए छात्र छात्रा आए उनके जो है फॉर्म लॉगिन, संस्था लॉगिन के माध्यम से उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था। ठीक है, लेकिन क्या है, संस्था लॉगिन के माध्यम से जैसे किया गया था, परंतु कुछ संस्थान के संज्ञान में आया है कि संस्थाओं द्वारा आधार कार्ड, जन्मतिथि यानी सिग्नेचर, फोटो में क्या है कुछ त्रुटियाँ हैं, त्रुटियों के निवारण हेतु अनुरोध ही किया गया है, रिक्वेस्ट की गई है। तो उसको लेकर अब पोर्टल खोला जा रहा है। देखिए क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर लाइव दिखता होगा। ठीक, देखिए क्या बोला जा रहा है, देख सकते हो बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस है ये। उक्त के क्रम में नामांकन फॉर्म में छात्राओं के नाम के साथ माता पिता के नाम को छोड़कर, यानी कि आपका नाम करेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, और आपके माता पिता का नाम करेक्शन नहीं हो सकता। देखिए बोला जा रहा है, छात्र के नाम और माता पिता के नाम को छोड़कर अन्य सभी चीज़ें हैं वो आप एडिट करवा सकते हो कॉलेज से। देखिए, छात्र के नाम को छोड़कर और माता पिता के नाम को छोड़कर, ये ध्यान से सुन लीजिए पहले आप, और अन्य सभी जो है विवरण वो एडिट करने हेतु संस्था लॉगिन पर, यानी आपके कॉलेज वाले, यहाँ देखकर संस्था लॉगिन का मतलब कॉलेज की लॉगिन आईडी पर दिनांक 23/11/2023 यानी 23 तारीख आज से 29/11/2023 तक लिंक खोला जा रहा है। अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित तिथि तक संपादित करना सुनिश्चित करें। ठीक है, तो लास्ट डेट लिख जाएगी, फिर मुझसे मत कहना, अभी इसकी जो लास्ट डेट है 29/11/2023 है और आज से स्टार्ट हो गया है प्रोसेस। तो अपने कॉलेज में जाएं और जो भी आपकी त्रुटि है, चाहे आपका आधार कार्ड गलत पड़ गया है वहाँ पर, जन्मतिथि गलत हो गई है, फोटो गलत हो गया है, हस्ताक्षर गलत हो गया है, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन नाम को छोड़कर और माता पिता के नाम को छोड़कर आप एडिट नहीं कर, उन चीज़ों को छोड़कर, मतलब माता पिता का नाम एडिट नहीं होगा और आपका नाम एडिट नहीं होगा, और सारी चीज़ों को आप एडिट करवा सकते हो, फोटो, सिग्नेचर, जन्मतिथि, आधार कार्ड नंबर जो भी है सही करवा सकते हो। अन्यथा की स्थिति में संपूर्ण उत्तरदायी है वो आपके प्रधानाचार्य का होगा और आपका खुद का होगा। सूच हो कि भविष्य में उपरोक्त संशोधनों में कोई प्रार्थना पत्र, ईमेल और जो भी है कार्यालय द्वारा स्वीकारे नहीं जाएंगे। ये ऑफिशियल नोटिस है, अंतिम मौका दिया गया है जिन बच्चों का मतलब करेक्शन कराना है मार्कशीट वगैरह में, तो करा लीजिए, अभी मौका है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो नोटिस में क्या मेंशन है वो मैंने आपको बता दिया है, यही मुझे आपको बताना था। ऑफिशियल नोटिस है, देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर, अजीत कुमार मिश्रा जो कि BTUP के अभी की डेट में सचिव हैं, जो कि हमारे, ठीक है, देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर, और ऑफिशियल नोटिस है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अभी आपका पास मौका है, इसका जो लास्ट डेट है मैंने आपको बताया 29/11/2023 तक इसका लास्ट डेट है। तो जो भी आपकी गलती है तो सही करा लीजिए, बाद में मत कहना कि हमारे जो है, आजकल सारे बच्चे कह रहे थे ना मेरा जो आधार और ऑथेंटिकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, फैमिली आईडी नहीं बन रही है, तो इसीलिए BTUP ने दोबारा से पोर्टल खोला है। तो अभी मौका है, करा लीजिए, ना बाद में मत कहना हमें बताया नहीं। ठीक है, तो इसका लास्ट डेट 29/11/2023 है।
तो आप लोग अपना जो भी करेक्शन है करा सकते हो आप लोग, ठीक है। आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।